1500। आपने कैलकुलेट किया 87,500 क्लोजिंग अलाउंस। तो जरा बताएं जी एसओएफपी की फेस पर नेट रिसीवेबल पेपर में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्रॉस रिसीवेबल बताओ या नेट रिसीवेबल बताओ। तो नेट रिसीवेबल अलाउंस माइनस करने के बाद आते हैं, बताएं जरा कितने 1042 जी 500। ये हमारी थी एसओएफपी की प्रेजेंटेशन। और जो लास्ट हमने इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो हमने देखनी है अलाउंस और बैड डेट्स मिलके पीएनएल में कैसे शो होते हैं। अज्यूम करें इस क्वेश्चन में ओपनिंग अलाउंस नहीं था। अलाउंस हमारा एसेट को कम करता है, एसेट की नेचर डेबिट होती है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। वो चीज जो एसेट को बढ़ाए, एसेट की नेचर डेबिट है 2+2, वो चीज जो एसेट को बढ़ाएगी उसकी नेचर डेबिट होगी। और वो चीज जो एसेट को कम करेगी, एसेट की नेचर डेबिट है तो एसेट को कम करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि अलाउंस की जो नेचर होती है, क्योंकि ये अलाउंस हमारे रिसीवेबल से क्या होता है माइनस होता है, इसका मतलब ये है कि अलाउंस की हमेशा नेचर क्रेडिट होगी। अलाउंस की नेचर हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। और जिस चीज की जो नेचर क्रेडिट होती है तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड पर होता है और क्लोजिंग बैलेंस उसका डेबिट साइड पर होता है। अज्यूम करें जी इस क्वेश्चन में ओपनिंग अलाउंस कोई नहीं है, ओपनिंग अलाउंस है नील। आपने जो क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट किया था वो कितना था, 87,500। आपने क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट किया 87,500। तो अब हम अलाउंस के अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो हैवी साइड का टोटल है 87,500, दूसरी तरफ लिखेंगे 87,500, तो जो बैलेंसिंग आएगा वो आएगा 87,500। अब यहां रुक जाना और सोचना है ये बैलेंसिंग अमाउंट कहां जाएगी। अलाउंस की बैलेंसिंग अमाउंट हमेशा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाती है, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाती है, हमेशा कहां जाती है, अलाउंस इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, अलाउंस इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, इसकी बैलेंसिंग अमाउंट हमेशा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाती है। अब हम इसको लेके आते हैं बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको क्रेडिट कर रहा है तो खुद क्या होगा, डेबिट होगा अलाउंस की वजह से। और ये कितना बनता है, 87,500 बनता है। अब हमारे पास बैड डेट्स में दो चीजें आई, बैड डेट्स में दो चीजें आई। एक चीज क्या आई, खुद बैड डेट एक्सपेंस, एक खुद बैड डेट एक्सपेंस और दूसरा क्या आया, अलाउंस। ठीक है जी, अलाउंस ने हमारे बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ा दिया। कब बढ़ाया, जब ओपनिंग अलाउंस जीरो था, क्लोजिंग 87,500 था। इसका मतलब ये अलाउंस जब भी बढ़ेगा हमारे बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ाएगा। अलाउंस जब कभी इंक्रीज होगा, अलाउंस अगर इंक्रीज होगा तो ये हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को बढ़ाएगा। अगर इंक्रीज होगा तो हमारा बैड डेट एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा और जो पीएनएल में हमारा एक्सपेंस होगा वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बैड डेट्स में जाना क्या होता है, पीएनएल में जाना। तो इंक्रीज इन अलाउंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस। अब हम इसको देखते हैं हमारा पीएनएल में कितना जाएगा। हैवी साइड का टोटल करें 87+50, तो ये बनता है जी 137,500। तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में दो चीजें होती हैं, बैड डेट्स खुद और इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस यहां आता है। तो इन दोनों का टोटल किया तो ये जो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट आएगा वो आएगा 137,500 और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंसिंग हमेशा हमेशा पीएनएल में जाएगा। तो अगर कोई आदमी हमसे पूछे बताओ भाई बैड डेट डाउटफुल डेट्स का एक्सपेंस कैसे बनता है, हम कहेंगे जी बैड डेट से बनता है और इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस से बनता है। तो बैड डेट्स और इंक्रीज इन अलाउंस को टोटल करेंगे तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, अगर मैं इसकी वर्किंग करूं 2
तो ये हमें मिलेगा वर्किंग नंबर टू से। तो P&L में प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल एक्सपेंस कितना जाएगा? 1375 00। तो क्या बात सीखी हमने? ये बात सीखी कि हमारे पास अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाए और वो पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव में, बताओ पीएनएल में कितना जाएगा, और ऊपर आपको रिसीवेबल भी दे दे, बैड डेट्स भी दे दे, अलाउंस भी दे दे, और वो आपसे पूछे इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे बैड डेट्स कितने। बैड डेट एक्सपेंस तो कंफर्म एक्सपेंस है, लेकिन अलाउंस की वजह से, अगर आप अलाउंस की वजह से एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आप अलाउंस का अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग अलाउंस लिखेंगे, क्लोजिंग अलाउंस लिखेंगे। अगर अलाउंस इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा? आपका एक्सपेंस। लेकिन अगर अलाउंस डिक्रीज कर रहा होगा तो इसकी वजह से हमारा बैड डेट एक्सपेंस कम होगा। आप कह सकते हैं इफेक्टिवली कह सकते हैं कि डिक्रीज इन अलाउंस हमारी इनकम होती है, इंक्रीज इन अलाउंस हमारे एक्सपेंस को बढ़ाता है, डिक्रीज इन अलाउंस हमारे बैड डेट एक्सपेंस को कम करता है। तो आप कह सकते हैं कि इफेक्टिवली इंक्रीज इन अलाउंस की नेचर एक्सपेंस है और डिक्रीज इन अलाउंस की नेचर जो है वो इनकम है। तो हमारे पास पीएनएल में जो एक्सपेंस बनेगा वो किससे बनेगा? बैड डेट से मिलके बनेगा। और दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास? दूसरी चीज हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज इन अलाउंस हमारे एक्सपेंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इंक्रीज इन अलाउंस हमारे एक्सपेंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और जब हम पीएनएल में लिखेंगे तो पीएनएल में एक्सपेंस दो चीजों से मिलके बनेगा, बैड डेट्स और अलाउंस से। किससे मिलके बनेगा? बैड डेट्स और अलाउंस से। अगर इंक्रीज इन अलाउंस है तो हमारे बैड डेट एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और अगर वो डिक्रीज इन अलाउंस होगा तो हमारे बैड डेट से क्या हो जाएगा? कम। अब हम अज्यूम करते हैं, यहां तक क्लियर है सारा? ओके, अब हम इसको देखते हैं कि जी अगर अलाउंस डिक्रीज हो रहा होता तो इसका क्या फर्क पड़ता। अब पिछली एग्जांपल को छोड़ दें, अब सिर्फ हम बैड डेट्स और अलाउंस को डील करते हैं। लें जी फॉर एग्जांपल, आपका जो ओपनिंग अलाउंस था वो था 1,00,000। ओपनिंग अलाउंस था 1,00,000 और क्लोजिंग अलाउंस कितना आ रहा है? 87,500। एक बात याद रखनी है, एसओएफपी में हमेशा क्लोजिंग अलाउंस जाएगा, ओपनिंग अलाउंस का एसओएफपी से कोई लेना देना नहीं। क्लोजिंग रिसीवेबल आएंगे हमेशा एसओ